सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है ओप्पो A3 प्रो 5G मोबाइल और दोस्तों आप इसमें चाहते हो किसी भी पर्सनल फोटो या फिर वीडियो को हाइड करना, तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। इसके लिए जाना है आपको मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है, प्राइवेट सेफ पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड पे क्लिक करके आपको 6 अंकों का पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना है। यूज पे क्लिक करना है, दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद फॉर्मेट टीचर्स ने आपको उसी भी डाल सकते हो। और आपको याद भी रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड भूल जाओगे तो इसी सिक्योरिटी आंसर से आप प्राइवेसी पासवर्ड को फॉरगेट कर पाओगे। सही के नीचे क्लिक कर देना है तो आपका पासवर्ड जो है बन जाएगा। अब आपको फोटो और वीडियो को हाइड करना है, तो यहाँ पे आपको इमेजेस एंड वीडियोज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब दोस्तों आपके मोबाइल में जो भी फोटो जो भी वीडियो रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से जो भी फोटो वीडियो हाइड करना है वो फोटो वीडियो आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे सेट एज प्राइवेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपकी ये जो फोटो वीडियो हैं आपकी सक्सेसफुली हाइड हो जाएंगी। आपकी जो फोटो वीडियो आपने हाइड किया वो आपकी गैलरी में कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों हाइड फोटो वीडियो को देखना चाहते हो या फिर से अनहाइड करना चाहते हो, इसके लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है, प्राइवेट सेफ पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्राइवेसी पासवर्ड है वही आपको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियोज पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी फोटो वीडियो हाइड किया था वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप देख पाओगे। अगर दोस्तों आप इसको अनहाइड करना चाहते हो फिर से गैलरी में भेजना है, तो दोस्तों आपको करना है लॉन्ग प्रेस करके इस पर टिक करना। टिक करने के बाद यहाँ पे सेट एज पब्लिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक करना, तो आपकी फोटो वीडियो जो है फिर से आपकी गैलरी में चली जाएगी। तो दोस्तों वैसे आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।